Hello my dear friends, welcome to my channel Stay Beautiful with Navdeep Kaur. Yes, तो आज मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ उसके इतने ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स हैं कि यू वॉन्ट बिलीव. मैं अपनी मॉम को वो 3 डेज से यूज़ करवा रही हूँ और मतलब मैं बहुत अमेज्ड हूँ उसके रिजल्ट्स के साथ. और मैं कोई भी चीज़ आपसे शेयर नहीं करती जब तक मैं वो खुद यूज़ ना करूँ या अपनी मॉम को यूज़ नहीं करा लेती. तो मैं आज आपके साथ एक मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बता रही हूँ आपको, जो कोई भी स्किन टाइप यूज़ कर सकता है. ऑयली, ड्राई, एक्ने वाली जो इसकी स्किन है, पिंपल्स हैं, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन स्किन है, बट इन स्किन वालों को उसमें क्या इंग्रेडिएंट ऐड करना है, क्या इंग्रेडिएंट नहीं करना है, उसका आपको ध्यान रखना है. तो इसलिए मेरी वीडियो एंड तक देखें. तो मुल्तानी मिट्टी का जो फेस पैक बनाना है ये हमें बहुत पतला बनाना है. और सबसे पहले मैं नॉर्मल स्किन वालों के लिए बताऊंगी कि आप मुल्तानी मिट्टी ले आइए बाहर से. मैं बाहर की मुल्तानी मिट्टी पैक्ड वाली जो पैकेट्स आते हैं उसमें बिलीव नहीं करती. उसको अच्छे से कूट लीजिए. कूट के उसका बहुत पतला सा एक पाउडर, मतलब बारीक सा पाउडर बना लीजिए. पाउडर बना के आप उसको क्या कीजिए कि 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लीजिए या फेस के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी ले लीजिए. नॉर्मल स्किन वालों के लिए मैं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा. उसमें रोज़ वाटर डाल लीजिए, इतना डाल लीजिए कि वो पतला हो जाए. पूरा सुनिएगा ध्यान से. एंड में उसको आपको ब्रश से फेस पैक की तरह नहीं लगाना है, कैसे लगाना है ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है. अब मैं बात करूंगी ड्राई स्किन वालों के लिए. इसमें आपको क्या करना है, ड्राई स्किन वालों को मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल के साथ साथ 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिला लेना है. या पैक ले लीजिए या फ्रेश ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है. अब बात करती हूँ मैं ऑयली स्किन वालों के लिए. ऑयली स्किन वालों को क्या करना है, एलोवेरा जेल ना डालकर इसमें आपको आधा नींबू स्क्वीज कर लेना है. अब मैं बात करती हूँ एक्ने वालों, जिसको एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और आप थोड़ा सा एलोवेरा जल आप डाल सकते हैं इसमें, और 1/4 चम्मच हल्दी डाल लीजिए. अब मैं बात करूंगी नॉर्मल स्किन वालों के लिए. मैं बता चुकी हूँ चारों स्किन वालों के लिए, मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है. अब इसको बनाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, आपको ये पेस्ट पतला बनाना है. अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती. अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि वो आपको इसे बनाना कैसे है. मैंने कोई भी पेस्ट बना के ब्रश से या फिंगर से इसको अप्लाई नहीं किया है, मैंने इसकी मुल्तानी मिट्टी की क्यूब्स बनाई है. यस, ये है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट. जो आपको मैंने कहा था लास्ट तक वीडियो देखनी है, वो इसी वजह से कहा था. आप किसी भी फेस पैक को क्यूब फॉर्म में लगाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. मुल्तानी मिट्टी जो होती है उसकी तासीर ठंडी होती है. जो जिनको सन टैन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन काली हो जाती है, सन बर्न, रैशेज हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है या बहुत ज़्यादा ड्राई, किसी भी स्किन टोन में ये बहुत अच्छा काम करता है. अब मैं आपको इसको निकाल करके एक अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है. ये देखिए, ये मेरी मुल्तानी मिट्टी क्यूब रेडी है. और कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको ऐसे अप्लाई करना है ना, बहुत सिंपल. और ये क्यूब फॉर्म में इतना इसका आइजिंग इफेक्ट रहता है कि आपको गर्मियों में तो यूज़ करके मज़ा ही आने वाला है. देखिए, मैं तो इसको रेगुलर 1 हफ्ता यूज़ करके तब बंद करती हूँ. 1 हफ्ता रेगुलर यूज़ कीजिए, अपनी पहले की फ़ोटो लीजिए और बाद की फ़ोटो लीजिए और मुझे बताइए कि इसका आपको क्या बेनिफिट मिला. ये देखिए, आइज़ के नीचे ज़्यादा मत कीजिए. ये देखिए मैं कैसे इसको अप्लाई कर रही हूँ. कोई भी आप फेस पैक बनाए तो आपको अपने गर्दन तक अप्लाई करना है. ये देखिए, ये हमारा हो गया. देखा कितना सिंपल है. तो आप ये करिए और मुझे बताइए कि आपका क्या इफ़ेक्ट रहा है. अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी मुझे आप सेंड कर सकते हैं. और मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए, मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए. और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. बाय बाय, लव यू.